और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आप कहोगे कि क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एडल्ट, आपको जरूर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर एक जॉब करने वाले हो तो जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवरथिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड के कई स्टडीज में ये भी पता चला है, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की इफिशियंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवरथिंकिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुनो एक कहानी, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी होडिनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो एक घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। होडिनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहां से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको ताले के लॉक के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, पर होडिनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला के वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने होडिनी की कहानी को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता है सिर्फ एक घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉई ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने होडिनी को चैलेंज किया कि आओ और एक घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और होडिनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। होडिनी आया, सब लोग तालियों से उनका स्वागत किए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होडिनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने होडिनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस्ड जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर होडिनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल दे अपने मैजिक ट्रिक्स। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई होडिनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला। जैसा कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज थी जिसको वो दरवाजे के ताले के नीचे घुसाकर खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। होडिनी उसे ताले में घुसाकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले होडिनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी एक घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर होडिनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। वो अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद होडिनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इस जेल के अंदर गया था वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। एक घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक वो उस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में अपने हाथ से उसने जोर से जेल के उस डोर पर मारा। उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं, अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं, सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं नहीं नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक्ड था, पूरी तरह से लॉक्ड था, पर कहाँ जानते हो।
हुडिनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले हुडिनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडिनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवरथिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपने जिंदगी में ओवरथिंकिंग वैसे ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडिनी की ही तरह आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवरथिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं जरा बताओ तो सुन लो, बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवरथिंकिंग कर करके आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे हुडिनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक्ड है ही नहीं, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन, और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर के दुनिया वाले आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने हो, तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगे, ब्ला 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 ब्ला। पर क्या करना है, अपने अंदर यकीन रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, और अपने काम को करते रहना है। क्योंकि हुडिनी ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो, तो ये झूठी फैक्ट, ये बैरियर बस आपके दिमाग के अंदर है। एक कोट है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर, आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तब मैं वीडियोस में आपको कहता हूँ ना कि डे ड्रीमिंग करो, तब आपके दिमाग की इंटेलिजेंस और बढ़ेगी। हाँ सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो, दिन भर में वो चीजें सोचो जो आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीजें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती, पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पहली बात की पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता, पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, यानी सकारात्मक सोच को हद से ज्यादा सोचो, इससे आपकी सर दर्द करने के उल्टा आपको और एनर्जी मिलेगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। इस ऑरा के बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो, फिर भी वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने ये देखा होगा कि ज्यादा सोचना आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना है उतना अच्छा है, उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे आपके पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा। लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों के बारे में तो हम लोग कभी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये ओवरथिंक नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीजें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवरथिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो, आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा, या फिर अपने आप को आप खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही खुश, उतना ही हैप्पी रहते थे। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा, बिना इवैल्यूएशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट, पर इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईगो की बात की हमने, अपने आप पर घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवरथिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज्यादा हंसमुख रहोगे आप, लोग आपके तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। टिपिकल मेंटालिटी यही होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी